झुंझुनू के गुढ़ागोड़जी के समीप पोंख पंचायत की दलित महिला सरपंच कोमल सेरावत को जुबान काटने की धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद भी दबाव की राजनीति खत्म नहीं हुई है। अब कोमल शेरावत ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उदयपुर वाटी पंचायत समिति बीडीओ बाबूलाल रैगर उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वह मामले में उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा से मिल ले और मामले में समझौता कर ले, नहीं तो गांव के विकास कार्यों में अड़चन आएगी। कोमल सेरावत ने आरोप लगाया कि उस पर लगातार समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। इधर कोमल सेरावत ने गुढ़ागोड़जी थाने में पंच रविंद्र सिंह उर्फ टिंकू तथा मनोज कुमावत के जाति सूचक गालियां निकालने, राजकार्य में बाधा डालने तथा धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। इसके बाद लगातार मामला गर्माता जा रहा है। दलित के बेटे होने के नाते मुझ पर पंचायत समिति से भी प्रशासनिक दबाव बनाया गया है और जो पंचायत समिति में है वीडियो साहब बाबूलाल जी रेगर उनके द्वारा भी हमें दबाव बनाया जा रहा है और उनके द्वारा हमारे नरेगा के मिस्टॉल रोक लिए जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप समझौता कर लो वरना आपके पंचायत के कामों में रुकावट आएगी। मैं कोमल सिराव उदयपुरवाटी विधानसभा के ग्राम पंचायत पोंख की दलित महिला सरपंच हूँ। उदयपुरवाटी विधानसभा के 44 ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबानों में से सबसे कम उम्र की दलित महिला युवा सरपंच हूँ और राजस्थान की सेकंड नंबर की युवा सरपंच हूँ। आज़ादी के बाद ग्राम पंचायत पोंख में पहली बार दलित की बेटी सरपंच बनी है और गांव की 36 पोंख मेरे साथ है। ग्राम पंचायत की कार्रवाई बैठक थी जिसमें वर्तमान विधायक आदमी रविंदर सिंह उर्फ टिंकू जो कि वार्ड पंच है। कार्रवाई शांति से चल रही थी, अचानक रविंदर सिंह ने ग्राम पंचायत के मीटिंग हॉल में आकर शोर शराबा शुरू कर दी और बदतमीजी करने लगा। दलित की बेटी होने के नाते मुझे धमकाने लगा। मामला गौशाला का है जिसमें वर्तमान विधायक के आदमी मुझ पर दबाव बनाकर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहते हैं जो कि सरासर एक कब्जा है। 36 कौम ने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया है जो कि इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देने के लिए सरपंच चुना है। दलित की बेटी होने के नाते रविंदर सिंह उर्फ टिंकू मुझे धमकी देता है, तेरी जबान काट लूंगा तू सीट छोड़, और साथ में कहता है कि मुझ पर पहले भी मुकदमे लगे हुए हैं, मैंने पहले भी जेल काटी और आगे भी काट लूंगा, तुझे देख लूंगा सरपंच।